तो गाइस आप लोगों ने टाइम मैगजीन का नाम तो जरूर सुना होगा। टाइम एक मीडिया नेटवर्क है जो कि हर साल टॉप लिस्ट निकालता है। तो हाल ही में टाइम ने एक नई लिस्ट निकाली, टॉप 100 इन्फ्लुएंसर्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब टॉप 100 ऐसी पर्सनैलिटी जिनकी इन्फ्लुएंसरशिप काफ़ी प्रभावशाली रही है पिछले साल की। अगर हम बात करें इसमें 5 इंडियंस हैं इस बार, मतलब 2020 की लिस्ट में 5 इंडियंस हैं, जिसमें से 2 नाम बड़े ही कॉन्ट्रोवर्शियल हैं क्योंकि उन दोनों नाम पे ही सबसे ज़्यादा चर्चाएं हो रही है इंडिया में। और ने जैसे ये लिस्ट निकाली है उसके बाद इंडिया के अंदर भी ये 2 नाम ही बड़े कॉन्ट्रोवर्शीज पे बात करते हैं। तो आइए पहले हम उन 3 नामों के बारे में बात कर लेते हैं जो अन्य नाम है। हम सबसे पहले बात करेंगे रविंद्र गुप्ता के बारे में, जिनको नॉमिनेट किया है एडम कैस्टिलेगो ने। एडम कैस्टिलेगो लंदन पेशेंट के नाम से मशहूर है। एडम दूसरे बंदे हैं जो कि एचआईवी से क्योर हो चुके हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो एचआईवी का इलाज आज तक नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो ट्रीट हो चुके हैं, तो दूसरा नाम एडम का ही आता है। तो आइए बात करते हैं रविंद्र गुप्ता के बारे में। रविंद्र गुप्ता एक प्रोफेसर है क्लिनिकल बायोलॉजी के इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। रविंद्र गुप्ता को बोला जाता है एम्बेसडर्स ऑफ द होप टू द मिलियंस ऑफ पीपल हु आर लिविंग विथ HIV अराउंड दी वर्ल्ड। और इस लिस्ट में रविंद्र गुप्ता का नाम क्यों है कि रविंद्र गुप्ता HIV के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, कि उनका सपना है कि वो एक दिन ऐसा ट्रीटमेंट क्योर कर लेंगे, की खोज कर लेंगे, जिससे जितने भी लोग मिलियंस ऑफ लोग जो हर साल मरते हैं सिर्फ और सिर्फ HIV की वजह से, उनका ट्रीटमेंट हो सकेगा। लिस्ट में रविंद्र गुप्ता के अलावा आयुष्मान खुराना भी है। आयुष्मान खुराना को तो आप सब जानते ही होंगे। आयुष्मान खुराना को जो नॉमिनेट किया वो दीपिका पादुकोण ने किया। दीपिका पादुकोण को भी आप सब जानते होंगे, वो एक एक्ट्रेस है, लेकिन वो उसके साथ साथ एक अदर पर्सन भी है। लिव लव लाफ फाउंडेशन फॉर द मेंटल हेल्थ। 130 करोड़ की आबादी में सपने हर कोई देखता है, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं, कुछ ही लोग इतनी मेहनत करते हैं कि वो अपने सपनों को जी सके। आयुष्मान खुराना ने यह बताया कि अगर हम बात करें अपने सपनों को पूरा करने के लिए दो चीज़ें लगती है, तो वो होता है टैलेंट और हार्डवर्क, लेकिन वो दो चीज़ें काफ़ी नहीं होती है। जो चीज़ें होती है वो होती है पेशेंस, रिजर्वेंस और फियरलेसनेस, जो कि कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है टैलेंट और हार्डवर्क से। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे एक एक्टर आयुष्मान खुराना का नाम इस टॉप 100 इन्फ्लुएंसर्स में क्यों है। तो आयुष्मान खुराना का नाम इस लिस्ट में इसलिए क्योंकि आयुष्मान खुराना ने कुछ ऐसे स्टीरियोटाइप कैरेक्टर्स किए, या हम कहें स्टीरियोटाइप मस्कुलिनिटी वाले ऐसे कैरेक्टर्स किए जो सोसाइटीज़ में तो होते, ह्यूमन सोसाइटीज में होते, लेकिन कोई भी इस पर बात तक नहीं करना चाहता। बड़े बड़े एक्टर्स या कुछ एक्टर्स जो हैं इस टॉपिक पे फिल्म तक नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो ऐसे करेंगे तो उन्हें बी ग्रेड या डी ग्रेड एक्टर बोला जाएगा। विकी डोनर में स्पर्म डोनर की बात हो, या दम लगा के हईशा में एक ओवरवेट वाइफ, शुभ मंगल सावधान में मेंस प्रॉब्लम की बात की है, तो आर्टिकल 15 में हमारे कास्ट सिस्टम की, बधाइयों में एक ओल्ड एज वुमेन की प्रेगनेंसी की बात की गई, तो बाला में एक बाल्ड कैरेक्टर की बात की है, और वही उनकी लेटेस्ट मूवी शुभ मंगल द सावधान जिसमें उन्होंने एक गे कैरेक्टर भी निभाया। अब चलते अपने अगले शख्स की तरफ जो कि है सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई को तो शायद ऐसा कोई बंदा हो पूरी दुनिया में जो शायद से ना जानता हो, जिनको नॉमिनेट किया है जैमी डेमोन, जो कि चेयरमैन और CEO है JP Morgan Chase के। उनके बारे में एक बात बोली गई थी, एक यंग अडल्ट जो कि इंडिया से आता USA सिर्फ और सिर्फ काम करने, और एक दिन काम करते करते वो CEO बन जाते एक $1 trillion के कॉरपोरेशन का। गूगल को एक ग्लोबल जायंट बनाने में अगर हम कहें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है सुंदर पिचाई ने। ड्राइव, जीमेल और मैप्स जो कि लाइफलाइन बोली जाती कंपनी की, ये सब सुंदर पिचाई के बिना शायद से नामुमकिन ही था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सुंदर पिचाई का नाम इस लिस्ट में क्यों शामिल किया गया। तो सुंदर पिचाई का नाम इसलिए शामिल किया गया क्योंकि सुंदर पिचाई और अन्य 25 CEO ऑफ डिफरेंट कंपनीज फ्रॉम न्यूयॉर्क, उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि 2030 तक वो 100K या हम कहें 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार देंगे। अब आप सोचेंगे लिस्ट में शामिल होने के लिए सिर्फ रोजगार देना जरूरी है, तो इसमें जो 10 लाख या 100K लोगों को जो रोजगार दिया जाएगा वो या तो लो इनकम के होंगे, या वो ब्लैक्स होंगे, या वो लैटिन्स होंगे, या फिर वो एशियन कम्युनिटीज़ के लोग होंगे। बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को प्रमोट करने का एक सपोर्ट दिखाया। अब बात करते हैं दो कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सनैलिटीज़ के बारे में। नरेंद्र मोदी, जिसको नॉमिनेट किया है खुद कार्ल विक ने। अब आप बोलेंगे कार्ल विक कौन है? कार्ल विक
खुद टाइम का एडिटर है, उसी ने खुद नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट किया है, जिसमें नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ ऐसा बोला गया है कि डेमोक्रेसी का मतलब तो होता है कि फ्री इलेक्शन, लेकिन डेमोक्रेसी में विनर वो नहीं होता है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, बल्कि विनर वो होता है जो अपने वोटर को ना होते हुए भी उसके राइट्स की बात करे। मतलब उस बंदे की राइट्स की बात करना जिसने आपको वोट ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसमें 130 करोड़ की आबादी है और इसमें क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और ना जाने कितने धर्म हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, वो सारे लोग रहते हैं। दलाई लामा जो कि एक हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर है बुद्धिस्ट रिलीजन के, जो कि एक रिफ्यूजी की तरह रहते हैं, लेकिन उन्होंने भी एक एग्जांपल शो किया हारमोनी एंड स्टेबिलिटी का। टाइम ने कुछ ऐसा भी कहा है कि इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट सभी प्राइम मिनिस्टर एक ही कम्युनिटी से आते हैं जो कि डोमिनेंट कम्युनिटी है इंडिया के अंदर, 80% हिंदू सोसाइटी। लेकिन नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे हिंदू लीडर रहे हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया कि उन्हें सिर्फ 80% लोगों की ही चिंता, उन्हें बाकी माइनॉरिटीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इंडिया जिसकी डेमोक्रेसी को, जिसके सेकुलरिज्म को पूरी दुनिया मानती थी, आज वो सिर्फ एक नाम का बन के रह गया है, आज वैसा कुछ बचा ही नहीं है। टाइम ने ये भी कहा है बीजेपी हमेशा टारगेट तो मुस्लिम्स को करती है, और ये पेंडेमिक के दौरान भी, कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान भी इस्लामोफोबिया बहुत ही हाई लेवल पे फैलाया गया था। तो अब हम बात करते हैं पांचवे पर्सन के बारे में, पांचवी पर्सनैलिटी के बारे में जब से कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी रही है टाइम की, और ये पूरे वर्ल्ड में आज की डेट में एक चर्चा का विषय बन गई है, बिल्किस। बिल्किस आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में ट्रेंड कर रही है, लोग सर्च कर रहे हैं कि बिल्किस है कौन। बिल्किस बानो राणा अयूब ने नॉमिनेट किया। राणा अयूब एक इंडियन जर्नलिस्ट है और उसके साथ साथ के एक ऑथर है गुजरात फाइल्स की। बहुत से लोग पूछेंगे जिन्होंने पहली बार ये नाम सुना होगा कि बिल्किस है कौन। तो बिल्किस 81 साल की महिला है जो रोज सुबह 8 बजे आके सड़क के बीच में बैठती है और आधी रात तक वो बैठी रहती है, जिनके एक हाथ में माला रहती है और दूसरे हाथ में तिरंगा रहता है। बिल्किस बात है शाहीन बाग की। बिल्किस को टाइम ने अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बोला है। ऐसा क्यों बोला है कि जिस देश में महिलाओं और माइनॉरिटीज की आवाज दबा दी जाती है, वहाँ 82 साल की महिला सुबह 6 बजे आके और रात आधी रात तक सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से गवर्नमेंट के प्रति रेजिस्टेंस शो करती है। यही रीजन है कि उनका नाम इस लिस्ट में क्यों है और क्यों वो आज की डेट में ट्रेंड कर रही हैं, क्यों आज वो एक चर्चा का विषय बनी हुई है पूरे विश्व में। बिल्किस बात और ये भी कही थी, ये एक्चुअली में इंग्लिश में लिखे, मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। उन्होंने ये कहा कि मैं तब तक बैठी रहूंगी जब तक मेरी रगों में दौड़ता खून रुक ना जाए, ताकि देश और दुनिया के बच्चे इंसाफ और समानता की सांस ले सके। और उनके बारे में एंड में ये लिखा गया टाइम के द्वारा कि बिल्किस नीड्स रिकॉग्नाइजेशन बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट ट्राइंग। मतलब उनको पावर ऑफ रेजिस्टेंस माना गया, एक रेजिस्टेंस का प्रतीक माना गया एक तानाशाही के खिलाफ। तो इस पूरे वीडियो में मैंने जितनी भी बातें बोली वो सब मैंने वही बातें बोली जो कि टाइम मैगजीन ने जैसा मेंशन किया था, कोई भी मैंने अपने मन से बात नहीं बनाई है। आप कमेंट करके बताइए कि क्या आप भी मानते कि बिल्किस सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, यस और नो। अगर आप मेरी वीडियो से सेटिस्फाइड हो तो लाइक ठोको, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब भी कर देना यार, तुम लोग करते नहीं हो। कमेंट में कुछ बोलना चाहो तो बोल देना, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बोलना चाहो कि इस टॉपिक पे प्लीज़ वीडियो बनाओ तो मैं उस पर भी बना दूंगा, क्योंकि मैं कमेंट का रिप्लाई भी दे देता हूँ। और बाय बाय।